उत्तर प्रदेश की पीलीभीत पुलिस ने हरदीप कौर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतकों के भतीजों को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल हरदीप कौर की कोई संतान न होने की वजह से उसकी जमीन हथियाने के इरादे से उसके भतीजों ने उसकी हत्या कर दी थी और शव को एक खेत में दफना दिया था, जिसमें एसएसपी ने खुलासा करते हुए हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव ढकाचांट निवासी अजीत सिंह ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने भाभी हरदीप कौर की हत्या की आशंका जताते हुए अपने भतीजों गुरजिंदर सिंह और गुरदीप पर शक जताया था, जिसमें पुलिस ने हरदीप हत्याकांड में अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने जब हरदीप कौर हत्याकांड की गहनता से जांच की तो उसमें उसके भतीजों पर शक हुआ। पुलिस ने जब गुरजिंदर सिंह और गुरदीप से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। दरअसल हरदीप सिंह की कोई संतान नहीं थी। गुरजिंदर सिंह और गुरदीप सिंह उसकी जमीन को हथियाना चाहते थे। 5 फरवरी को वह लोग हरदीप कौर के घर पहुंचे और जमीन अपने नाम करने की बात करने लगे, जिस पर हरदीप नाराज हो गई, जिसके बाद गुरजिंदर सिंह और गुरदीप सिंह ने हरदीप कौर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और शव को गेहूं के खेत में ले जाकर छिपा दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी गुरजिंदर सिंह और गुरदीप सिंह को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी फावड़ा मोबाइल सहित गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सदर सैफी की रिपोर्ट। कांड का खुलासा हुआ है, इसमें 6 तारीख को एक सूचना मिली थी एक व्यक्ति द्वारा दी गई कि मेरी भाभी हरदीप कौर को एक जगह हत्या करके दफना दिया गया है। मौके पर पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी लोग वहां पर पहुंचे, उसके बाद पता चला एक हत्या का मामला है, मुकदमा दर्ज इसमें किया गया था। पूछताछ में वादी के ही भतीजों का इसमें रोल सामने आया है, दोनों ने जो है प्रॉपर्टी के चलते अपनी ही ताई का जो है इसमें हत्या की, क्योंकि उनका ये आरोप था कि ये अपनी जमीन बेचती जा रही थी और वो क्योंकि उनके विधवा थी तो इनको ये डर था कि कहीं पूरी जमीन ना बेच दें, तो शराब इन लोगों ने पी थी और आपस में इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद इन्होंने घटना को कारित किया। इसमें आला कत्ल कुल्हाड़ी जो है वो बरामद कर ली गई, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।